आज का लेक्चर ध्यान से देखना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। एक यूनिट में गति, एक गति की बात कर रहे हैं, बेसिक डेफिनेशंस की बात चल रही थी, तो ध्यान रखिए अपना जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, पहली बार में समझ में आ जाए बेस्ट रहेगा, लेकिन यूज करने के लिए देखना पड़ेगा बार बार। हम लोग कल तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ चुके थे, तात्क्षणिक वेग किसी क्षण विशेष पर वेग है, फॉर्मूला इसका dr/dt होता है। एक बार जूम लिख लीजिए, तात्क्षणिक वेग की दिशा, इसकी दिशा जो होती है वो पथ के अनुदिश होती है। किसकी अनुदिश होती है भाई साहब? ये लिखा हुआ नहीं है, तुमने इसको लिख लो, इसकी दिशा पथ के अनुदिश होती है। इस बात को नोट कर लीजिए, तात्क्षणिक वेग की दिशा पथ के अनुदिश होती है। तात्क्षणिक वेग की दिशा पथ के अनुदिश होती है। तात्क्षणिक वेग की दिशा पथ के अनुदिश होती है। कोशिश करना, साथ साथ लिखने की कोशिश करना आज, ठीक है क्या? क्योंकि लेक्चर पर पूछेंगे आज। इसके बाद लिखिए औसत वेग, लिखिए औसत वेग। औसत वेग की परिभाषा जो होती है वो होती है विस्थापन बटा में समय। औसत वेग की परिभाषा जो होती है वो होती है विस्थापन बटा में समय। औसत वेग का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट वी डी टी के समाकलन से आता है, ये वी एवरेज की डेफिनेशन है। हालांकि तुम्हारा काम इससे चल जाएगा, इसकी जो बहुत रेयरली पड़ेगी इससे काम चल जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या होता है हम लोग जानते हैं, वी डी टी का समाकलन। ये वी तात्क्षणिक चाल थी, वी एवरेज। औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। तात्क्षणिक वेग की दिशा किस तरफ होती है बच्चों? और औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। भूल मत जाइएगा, इसका क्या मतलब है? 5 मिनट समझ में आ रहा है, चेक करना जरा, चेक करना बेटा। एक कण वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो ये इसके तात्क्षणिक चालों की दिशा, वेग की दिशा है। हाँ, जवाब दीजिए, इसका तात्क्षणिक वेग तो स्पर्श करने में दिशा होगा। ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये 3 नंबर पॉइंट। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, तात्क्षणिक वेग किसी क्षण विशेष पर होता है, औसत वेग किसी अंतराल में होता है। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, ये भी लिख लो, औसत वेग किसी अंतराल के लिए परिभाषित होता है, क्योंकि दो चीजें देनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक का औसत निकालें। किसी अंतराल के लिए परिभाषित होता है, किसी अंतराल के लिए परिभाषित होता है। बात करते हैं एक नंबर पर बिंदु पर, तुमसे कुछ पूछ ले तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या है, तो जे कैप। दो नंबर स्थिति पर तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या है? माइनस आई कैप, ये बोलना में आ रहा है। लेकिन मैं बोलू एक से लेकर दो के बीच में औसत वेग की दिशा क्या है, तो विस्थापन ये बनेगा, औसत वेग की दिशा ये वाली आएगी। हाँ, इन्होंने जवाब दो, ये वी औसत की दिशा आ गई और ये तात्क्षणिक की दिशा। अगर ये भी आर, ये भी आर, तो 45 डिग्री तय हो गया, यानी इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग, काल्पनिक वेग और औसत वेग के मध्य कोण 45 डिग्री है। क्या मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाया? सर, 45 डिग्री किस तय किया? अरे ये भी आर, ये भी आर, तो 45 पर क्या है? तो ये औसत वेग की दिशा, क्योंकि विस्थापन की दिशा है यार, ये तात्क्षणिक वेग की दिशा है, ये कोण और ये कोण संगत कोणों को तो बराबर होंगे,
तो क्या तात्क्षणिक वेग और औसत वेग एक ही दिशा में जुड़ी है? जुड़ी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। सरल रेखा पर कोई बिंदु जा रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, तो इसका विस्थापन भी इस दिशा में है, इस क्षण का औसत भी इधर होगा, इस क्षण का तात्क्षणिक भी इधर होगा, तो बीच का कोण 0 डिग्री हो सकता है। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति में तुमने एक वस्तु को ऐसे फेंका, ये इसका प्रारंभिक है, अभी ये यूं जा रहा है, इस जगह पर तात्क्षणिक यूं होगा, इस जगह पे तात्क्षणिक यूं होगा, इस जगह पे तात्क्षणिक यूं होगा, लेकिन इस जगह की औसत चाल तो यहीं से आएगी, क्योंकि विस्थापन ये रहा, ये विस्थापन की दिशा, ये विस्थापन की दिशा। तो v औसत और v तात्क्षणिक एक ही दिशा में हो ये जरूरी नहीं है। यहां से यहां तक का v औसत, यहां से यहां तक का औसत वेग पक्का आई कैप के अनुदिश होगा, क्योंकि विस्थापन आई कैप के अनुदिश है। औसत वेग की दिशा किस तरफ होती है फिर से बता दीजिए, बेटा तू इसको फटाफट लिख लीजिए, कुछ समझाने के लिए ये बात अभी तक लिखी नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा कि औसत वेग कैसे लिखा जाता है। क्लियर है जी, सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, कौन-कौन सब देखने आ जाएंगे। मेन लाइन यही है कि औसत वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होती है, औसत वेग की दिशा ये रही और तात्क्षणिक वेग की दिशा पथ के अनुदिश होती है। ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो बात चल जाएगी, समझ में आ जाएगी, सब क्वेश्चन सामने आएंगे। तो इनको हटाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए 4, स्पीड 4। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास 4, स्पीड। दो प्रकार की होती है, एक होती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल जो है वो तात्क्षणिक वेग का परिमाण हेतु है। जो वेग होगा उस वेग का परिमाण चाल होता है, किसी क्षण विशेष पूर्व चाल आ गई कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला भी dr / dt से आ जाएगा, v x निकाल रहा है और dx / dt, तो वेग आ गया था, याद आ गया। तो चाल क्या हो जाती है, इन सब का परिणाम ही है, ये स्पीड आ गई, ये चाल है, v x square, v y square, v z square। क्या तात्क्षणिक चाल समझ में आ गई? अदिश राशि है, इसके दिशा नीचे की, कोई डाउट नहीं जी। एक होती है औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला कभी ना बने, चली गई दूरी बटा का समय। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई क्या यार? क्लियर है क्या? औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विस्थापन होते थे ना, दूरी बटा समय। और यह भी कैसी राशि है? यह भी एक अदिश राशि, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। सोच के बताओ क्या पूरी बात समझ में आ गई क्या तुम सबको? जल्दी से लिख लो भैया, क्लास इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ आज की, ध्यान रखिएगा, सब कुछ आज की क्लास पर टिका हुआ है कि बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आए। अभी तक डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास निर्देश तंत्र की, फिर विस्थापन और दूरी की परिभाषा आ चुकी है, दो वेगों की परिभाषा आई है तात्क्षणिक औसत, दो चालों की परिभाषा आई है तात्क्षणिक औसत। ये परिभाषा तक आपने देखी है कुछ, और अभी तक फॉर्मूला आपने अभी तक एक देखा, v इक्वल टू dr / dt का औसत चाल का फॉर्मूला आ गया, औसत वेग का फॉर्मूला भी आ गया। सभी बता रहे बेटा? इस साइड को इरेज कर लो,
तो अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके बारे में छोटी सी बात। V equal to क्या होता है? dr by dt याद रहा हमें, इताशन क्या थी? तो dr का फॉर्मूला क्या आ गया? V dt, हाँ ना मैं जवाब दे देना, ये dr का फॉर्मूला V dt। दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, जरा सुन लेना फिर लिख करना भैया। दोनों तरफ समाकलन कर लिया, dr का समाकलन कर लो r फाइनल से r फाइनल, तो इधर का समाकलन तो बन गया r फाइनल माइनस r फाइनल, ये V dt। इसका नाम विस्थापन होता है, हम लोग जानते हैं। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई है क्या? विस्थापन जो होता है वो v dt के समाकलन से आता है, इसको भूलना मत कभी। v क्या चीज है? नेट वेलोसिटी है। ये ताक्षण इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि v इक्वल टू dr / dt में भी कोई क्या नाम दिया था लोगों ने, ताक्षणिक चाल दिया था नाम, तो ये ताक्षणिक चाल ही है, इसको भूलना मत। अभी तक तुम्हारे पास यही फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला या फिर दो चीजें और लिखी है, औसत चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, इसका परिमाण निकाल लोगे, इसका परिमाण वो ताक्षणिक चाल ही है। क्या तुम्हें यहां तक की बातें समझ में आ गई? क्या पूछे जो अब हेडिंग लिखने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, त्वरण। बेटा डी आर का समापन तो आर ही होता है, लिमिट लगा दे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सबसे मुश्किल समाकलन किसका बताया था जो हर बार करना होता है? dx का, dx का x, du का du, dv का v, तो dr का समाकलन r, लिमिट लगाएगी तो r f माइनस r है, उधर तो भी करना है। बात समझ में आ गई बेटा? त्वरण, त्वरण में पहला त्वरण पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ताप क्षणिक त्वरण। बेटा कुछ भी मत लिखना थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ध्यान देना बोर्ड पे। त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। सुनने पर जोर, समझने पर जोर देना, लिखना कुछ भी मत थोड़ी देर के लिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? ए बराबर डी बन जाए। यहाँ वी क्या चीज है? यहाँ वी तात्क्षणिक वेग है। वेरी गुड बेटा, यहाँ वी तात्क्षणिक वेग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ताप क्षणिक त्वरण डीवी की दिशा में होता है, वेग में परिवर्तन की दिशा में होता है। ये अच्छे से समझेंगे, ताक्षणिक त्वरण डीवी की दिशा में होता है जो अल्प वेग में परिवर्तन होगा। लिखना नहीं है, समझना, पहले बोलो, डोंट राइट इट, जस्ट लिसन केयरफुली। वेग में दो बातें होती हैं, एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। वेग बदलने के लिए या तो परिमाण बदलो या दिशा बदलो या दोनों बदलो। या तो वेग बदलो या वेग का मतलब परिमाण बदलो। वेग का परिमाण जो होता है उसे चाल कहते हैं। चाल का मतलब वेग का परिमाण, दिशा। यहां से परिभाषा ध्यान से सुनना भैया। त्वरण जो होता है, जो तात्क्षणिक त्वरण बोलो, वो तात्क्षणिक त्वरण भी दो प्रकार का होता है। ढंग से सुनना, गड़बड़ मत करना, यही से समझ में आना जरूरी जो समझा रहा हूं। तात्क्षणिक त्वरण भी दो प्रकार का होता है, हां, एक का नाम है स्पर्श रेखीय त्वरण, जो वेग के अनुदिश होगा, इसका सिंबल होगा ए टी, ए के पैर में टी है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण। टी का मतलब टेंजेंशियल वर्ड, टी का क्या मतलब है यहां पे? टेंजेंशियल वर्ड। स्पर्श के त्वरण वेग के अनुदिश होगा, वेग के अनुदिश या उसके विपरीत होगा, होगा पथ के अनुदिश। अभी बताऊंगा कैसे। इसका काम होगा चाल को बदलना। सुनना है पहले, चाल को बदलना होगा वेग के परिमाण को बदलना।
बाई dt, अब वेक्टर निकाल देना, ये चाल है। या फिर सबसे शानदार तरीका लिखने का है ये वाला, ये चीज ये चीज ये चीज एक ही बात है, और ये नेट त्वरण नहीं है, ये सिर्फ स्पर्श रेखीय त्वरण है, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है, इसके दो घटक हैं। मैं नंबर एक स्पर्श रेखीय नंबर को बताने वाला हूं, ये स्पर्श रेखीय त्वरण है जो किसको बदलेगा, परिमाण को बदलेगा, जो किसको बदलेगा, ये परिमाण को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। जैसे तुमने एक गेंद को ऊपर फेंका तो गुरुत्वीय त्वरण इसके बिल्कुल पथ के विपरीत लग रहा है, वेग के विपरीत, ये परिमाण बदल रहा है, ये इसको वक्राकार भाग में नहीं घुमा सकता, ये इसको यूं नहीं मोड़ सकता, इधर नहीं मोड़ सकता, इधर रोक रहा है, घटा देगा स्पीड, फिर रोक के नीचे जाएगा, लेकिन इसका पथ नहीं बदल पाएगा। इसका काम है परिमाण को बदलना, लगातार बदल के जीरो कर दिया, दिशा बदली है, लेकिन एक ही लाइन पे चला है इसने, ये स्पर्श रेखा दोनों दिशा बदल रहा है। इस टाइम पे ए नेट यही है, क्योंकि दिशा बदल नहीं रही, तो दूसरा त्वरण है ही नहीं, दूसरा त्वरण है ही नहीं, ये हमेशा पथ के उद्देश्य लगेगा, पथ के उद्देश्य मतलब उस क्षण विशेष पर जो पथ है, जिस जगह पर चल रहा है उसको दिशा में लगेगा, दिशा में आ गया अनुदिशा आ गया तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, विपरीत आ गया तो वेग का परिमाण घटेगा, लेकिन आएगा अनुदिश। अभी और समझाऊंगा। नंबर दो त्वरण जो होता है वो नंबर दो त्वरण होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसका नाम है ए सेंट्रिपेटल। इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर है। इसका काम दिशा बदलना है, वो घुमाएंगे एक बार, पर दूसरी तरफ है, पुरानी बात कुछ मत छोड़, एक बार सुनता याद रखने दिशा बदलता है। अगर दोनों उपस्थित है तो परिमाण और दिशा दोनों बदल जाएगी, अगर एक किन में से कोई प्रेजेंट है तो एक चीज बदल गई। ये वाला त्वरण लगता किस तरफ है, ये वाला त्वरण वेग के लंबवत होता है, कैसा होता है, यानी एसी और एटी के बीच का कोण कितना आ गया, एसी और एटी के बीच का कोण 90 डिग्री आ गया, एसी एटी लंबवत है, लेकिन नेट त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। इस ए नेट को नेट वेग त्वरण का परिमाण बोलते हैं, नेट त्वरण का, क्योंकि ये तो नेट त्वरण के बीच वाला, नेट त्वरण का परिमाण ये है। आया ना मैं जवाब दो, क्या तुम्हें पूरी बातचीत समझ में आ गई कि ये वाली जो चीज थी ये स्पर्श रेखीय त्वरण थी, ये वाली चीज कौन सी है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। दो तीन मिनट का समय लूंगा, पूरी बात समझा दूंगा, इस साइड को डाटो, ये पर लिख चुके हमने, यहां ध्यान से देखिएगा जो बात बोलने वाले, गड़बड़ मत करना, ढंग से सीखना, चेक करना भी। अभी इसमें क्या बदल रहा था, वेग का परिमाण, बोर्ड पे जाना ना, नहीं और बहुत घुमाना था। ये एक कण है जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, जिसकी चाल नियत है, क्या चीज नियत है, चाल, क्या वेग बदल रहा है, तो वेग तो बदल रहा है, दिशा बदल रही है, चाल नियत है, वेग बदल रहा है, चाल नियत है। इनमें से कौन सा सेगमेंट आ गया, इन तीनों में से कौन सी बात आ गई, परिमाण नहीं बदल रहा, दिशा बदल रही है, इसीलिए सारा त्वरण जो शो किया जाता है वो अभिकेंद्रीय होता है। आयना में जो आप ये सारा का सारा कौन सा हो गया, अभिकेंद्रीय। कैसे पता लगा, अगले क्षण पर कण इधर से इधर आ गया, यानी उधर मुड़ा है, तो बल तो उधर लगा हुआ, तब तो उधर मुड़ा है। आयना में जो आप देख लीजिए, अब मैं सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मुझे मान के चलता हूँ, पूरा समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एसी भी है और एटी भी है, इसमें एटी आ गया, एसी आ गया, इसमें एटी आ गया। अगली प्रॉब्लम ले रहा हूं, तुमने एक पत्थर को किसी हाइट से यू फेंका, ये कैसे गिरता है, हाँ, लेकिन गिरने का पथ कुछ ऐसा रहेगा। इस क्षण पर इसका वेग इस दिशा में है, इस क्षण पर इधर तो किसको इधर जाना चाहिए, इधर क्यों उड़ गया, रही है, कहेंगे कि इस पर बल लग रहा है mg,
तो अरुण जी आ गया। जी के तो घटक कर लो सर, जी का एक घटक इसके वेग के अनुदिश आएगा, एक इसके लंबवत भी आएगा। पूरा पूरा इसके अनुदिश नहीं है, दो घटकों में बट पड़ रहा है, तो इसको इधर मुड़ना पड़ेगा क्योंकि दिशा परिवर्तित करने वाली चीज पड़ी है। दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, तुमने एक वस्तु को किसी हाइट से स्ट्रेट यू फेंका, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये सरलरेखा बिजलता है, हमने जवाब दे दिया, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये इधर मुड़ा। क्योंकि क्यों मुड़ा? तुम कहो कि जब फेंका था तो जी के दो घटक थे भाई सर, करने पड़ेंगे मुझे, एक पथ के अंश आ रहा है और एक पथ के लंबवत आ रहा है, आ रहा है तो करने पड़ेंगे। तो ये इसकी दिशा बदलने वाला पड़ा है, तो दिशा इसकी पक्का बदलेगा और परिमाण भी बदलेगा। परिमाण वेग के अंश आ रहा है तो वेग का परिमाण बढ़ेगा, इसलिए परिमाण बढ़ रहा है, वेग की दिशा बढ़ रहा है। एक पत्थर को तुमने यू फेंका ऐसे, इसमें वेग पहले घटता है, देखते हैं क्यों घटता है। एक पत्थर को तुमने यूं फेंका, इसका वेग पहले घटा क्यों? क्योंकि यहां पर ये इधर मुड़ा, क्यों मुड़ा? क्योंकि जी के दो घटक आ गए, एक तो आ गया स्पर्श रेखा के अनुदिश, एक आ गया लंबवत, जो लंबवत आया वो इसको इधर मुड़ गया, जो इसके विपरीत आया वो वेग का परिमाण कम कर गया। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? क्या तुम त्वरण अच्छे से समझ में आ रहा है? त्वरण कितने प्रकार का होता है? दो घटक प्रकार भी कोई होते हैं, एक तात्क्षणिक त्वरण पड़ेंगे, औसत त्वरण पड़ेंगे। तात्क्षणिक त्वरण के कौन कौन से घटक होते हैं? स्पर्श रेखा के घटक का कौन क्या है और दिशा को बदलना। क्लियर है जी? एटी का काम है चाल को बदलना, चाल के बदलने की दल को एटी बोलते हैं। वो बात अलग है कि एक विमीय गति में दिशा बदलनी ही नहीं है तो नेट त्वरण सारा का सारा स्पर्श एक ही हो जाएगा, एसी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पड़ी एक विमीय गति में। लेकिन द्विविमीय गतियों में चाहे वो प्रक्षेप्य गति हो चाहे सर्कुलर पथ पे गति हो, हम एसी के बारे में जरूर चर्चा करते हैं, हम एसी के बारे में जरूर। क्यों? क्योंकि दिशा बदल रही है वेग की। क्या तुम लोगों को मोटे मोटे तौर पर बात समझ में आ गई है कि क्या त्वरण होता क्या है? नोट कीजिए यहां तक की बात। समझ में आ रही बात सारी की सारी का बच्चों को फटाफट लिख लो इस सारी चीजों को। ए नेट एसी से कितने कोण पर, एटी से कितने कोण पर, ये सब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। एसी भी हो एटी भी हो, दिशा भी बदल रही हो, दिखाई दे रहा ना? इसमें ए नेट सिर्फ जी था, तो जी ये रहा, एसी ये रहा, एटी ये रहा, कितने कोण पर है ये भी निकाला जा सकता है। लेकिन ये बाद की बात है, अभी ब्रॉडली सीख लो कि क्या हो क्या रहा है। त्वरण जो लग रहे हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं। त्वरण का मतलब होता है बल का लगना, बल होगा तभी त्वरण होगा। तो उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि वेग बदल रहा है यानी परिमाण, वेग बदल रहा है तो यानी परिमाण बदल रहा है, दिशा बदल रही है, दोनों बदल रहे हैं, ये हमें चेक करना आना चाहिए कि परिमाण बदल रहा है या दिशा बदल रही है या दोनों बदल रहे हैं। तो वेग को बदलने के लिए तीनों चीजें, दोनों चीजें बदल सकती है, कोई एक या दोनों बदल सकते हैं। ये सारा तात्क्षणिक त्वरण के बारे में बच्चों, ये लिखा हुआ है नेट वेग में परिवर्तन की दर, नेट वेग या तात्क्षणिक वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते होते हैं। क्या यहाँ तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है? इरेज करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। तो ये साइड इरेज करते हैं, तो तुम लोग लिख चुके हैं साइड, तो सारी की सारी
त्वरण की दिशा आपको निर्धारित करनी धीरे धीरे आ जाएगी। अभी कुछ भी नहीं कहेंगे डीवी की दिशा में तो वह समझ में आती है, लेकिन डीवी का बदलने का मतलब क्या है, वेग का परिमाण बन सकता है, दिशा बन सकते, दोनों बदल सकते। तो एटी की दिशा इस एग्जाम्पल से तय होती है कि एटी ये रहा, एसी ये रहा, एनटी ये रहा। तो यहां से एटी एट कैसे काम कर रहा है, एसी कैसे काम कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो तात्क्षणिक त्वरण तो वो सारा का सारा दिखाई दे रहा है, जी है। तात्क्षणिक त्वरण को फिर से लिख रहा हूं एक बार के लिए ध्यान दीजिएगा। तात्क्षणिक त्वरण को मैंने लिखा ए इक्वल टू डीवी बाई डीटी, क्लियर है। सिर्फ एटी को लिख रहा हूं एक बार के लिए, ये डीवी बाई डीटी आ गया। या इसका परिमाण लेते हैं, बंडी की बात कर लेते हैं, इसका परिमाण ए डीवी बाई डीटी। ए इक्वल टू डीवी बाई डीटी को ds से गुना ds से भाग, ds अल्प विस्थापन है, इसके जगह पर फिर से वेग आ जाएगा। तो a बराबर आ गया v dv by ds। क्या ये बात भी समझ में आ गई क्या तुम सबको, या फिर ds क्या होगा विस्थापन, ये वेग समय का संबंध था, ये वेग विस्थापन त्वरण का संबंध आ गया। क्या बात तुम्हें समझ में आ गई है, हमें मालूम है कि हम लोग s से विस्थापन को शो करते हैं, इसने ds से गुना ds से भाग किया, बाकी ये dx dy dz dr कुछ भी लिखा जा सकता था। क्या तुम्हें बात समझ में आई कि ds सिंबल क्यों चूज किया, क्योंकि ds से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को काफी समय से, तो हमने ds से गुना ds से भाग कर दिया। और ds वाली डी को क्या लिख दिया फिर, वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर। तो इस ds / dt को v से रिप्लेस कर दिया, ये dv / ds वैसे का वैसे। क्या तुम्हें बात समझ में आई कैसे लिखा गया बच्चों, a बराबर V dv by ds। नोट कीजिए यहां पर की बात, जवाब दो जी, a बराबर v dv by ds। तुम सबको समझ में आ गया है, यहां तक का मामला आसान सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इतना लिखने के बाद हेडिंग लिख लीजिएगा औसत त्वरण। औसत त्वरण की मैथमेटिकल परिभाषा ये रही, वेग में परिवर्तन बटा में समय, ये औसत त्वरण की डेफिनेशन है। वेग में परिवर्तन बटा में समय, किसकी परिभाषा ये, औसत त्वरण हमेशा अंतराल के लिए परिभाषित होगा। औसत त्वरण का परिमाण कितना आ गया, वेग में परिवर्तन का परिमाण बटा में समय। वेग में परिवर्तन का परिमाण बटा में समय। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मेडिकल एंट्रेंस का, क्वेश्चन की वर्डिंग देखना, हो सकता है कि डायग्राम बना के ना दे, डायग्राम बना के दे ये भी संभव है। ऐसे लिखा मिलेगा, एक कण नियत चाल से V से A से B तक जाता है, नियत चाल से V से A से B तक जाता है, ठीक है जी। क्या पूछा गया है, A से B तक औसत त्वरण और B पर तात्क्षणिक त्वरण के परिमाणों का अनुपात क्या होगा। लो भाई साहब क्वेश्चन की वर्डिंग आपके सामने है, आप क्या क्या जानते हो बता दीजिए। औसत त्वरण तो बोला किसी ने, तो औसत त्वरण तो क्या और तात्क्षणिक त्वरण तो क्या। औसत त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, देखो गड़बड़ मत कीजिए, आराम आराम से बात कीजिए, यही समझना आपको, क्वेश्चन की वर्डिंग आपके सामने है, गड़बड़ मत कीजिए, आराम से क्वेश्चन की वर्डिंग को तीन से चार बार बोलिए, लाउडली बोलिए, इतना लाउडली बोलिए कि मुंह से आवाज बाहर नहीं है, आप दिमाग तक आवाज पहुंचे, बोलो जोर जोर से दिमाग के अंदर,
में से बता सकता है कि v पर पार्शियल त्वरण कितना होगा? शून्य। किस पे बात? क्या पूछा गया मैंने तुम तक? मैंने पूछा गया क्वेश्चन की मैंने क्या पूछा था? दो v पर मैंने क्या पूछा था? भी बी पर तात्क्षणिक त्वरण का परिमाण बता दीजिए। तात्क्षणिक तो किसी क्षण विशेष किसी जगह विशेष पर ही होगा। कण सर्किल पे घूम रहा है, सर्किल पे घूम रहा है तो क्या क्या चीजें बदल सकती हैं? चाल तो नियत है, दिशा बदल रही है, तो बी पर कौन सा त्वरण उपस्थित है? तात्क्षणिक त्वरण तो अभिकेंद्रीय पता लग गया और ये किसके बराबर होगा? तो इसका नाम तो पता लग गया जी। जवाब चाहिए यस और नो में। निकालना क्या पता तो हुआ? हमें पहली चीज तो ये निकालनी है, निकल गया। दूसरी चीज क्या निकालनी है? औसत दो क्षणों के बीच का दो स्थितियों के बीच का होता है। कहां से कहां तक का औसत त्वरण निकालना है? ए से बी का औसत त्वरण निकालना है। ए से बी का औसत त्वरण अगर निकालना है तो बता दीजिए ए से बी का औसत त्वरण निकालना है तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? क्योंकि वेग में परिवर्तन बटा समय से औसत त्वरण आता है। तो यहां से यहां तक का वेग में परिवर्तन कितना? वेग में परिवर्तन माइनस बी आई कैप माइनस बी जे कैप। वेग में परिवर्तन का परिमाण आ गया रूट टू वी। इसका परिमाण निकालो तो रूट वी। यहाँ का बी प्रारंभिक कितना है? सर यहाँ का वेग बी जे कैप, यहाँ का वेग कितना है? माइनस बी आई कैप। तो ये माइनस ये करोगे तो दोनों नेगेटिव हो गए, रूट टू वी। समय कितना लगेगा? समय क्योंकि भाग देंगे समय से तभी तो ये औसत त्वरण की परिभाषा पूरी होगी। यहां से यहां तक का समय 2 पाई आर होता तो 2 पाई आर बाय वी होता। ये 2 पाई आर बाय वी का चौथा हिस्सा है। तो एक त्वरण कितना आ गया? पाई आर बाय सॉरी ये डिवाइड बाय ये कर रहे हैं रूट टू वी डिवाइड बाय 2 पाई आर बाय 4 वी। तो ये आ गया 2 रूट 2 वी स्क्वायर बाय पाई आर। जवाब में दम नहीं यहां से क्या परिभाषित कर दिया मैंने? अब ये तो समय था, ये परिभाषित कर दिया मैंने अब ए औसत वेग में परिवर्तन बटा में समय। अब इन दोनों में बात निकालना है, ये कट जाएगा तो टू रूट टू बटे पाई आंसर आ गया। जो लोग तुम में से पीवाई को सॉल्व करते हैं या पेपर की तरह ढंग से कि उन सबको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वो सब जानते हैं। मुश्किल है, आसान नहीं है वैसे पहली बार करना, पर भाषाओं का खेल है, आसान नहीं है क्वेश्चन ही बार और समझ में आ जाए तो इससे आसान कोई चीज ही नहीं है। yes, क्योंकि परिभाषा क्लियर है। सर्कुलर ट्रैक पे घूमते समय एक समान चाल से घूम रहा है, एक समान चाल से घूमने का मतलब चाल बदल नहीं रही, तो ए भी तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा त्वरण होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तात्क्षणिक त्वरण के दो घटक थे एसी और एटी। इस क्वेश्चन में एटी नहीं है, एसी होगा। एसी को बीस मिनट में आ जाती है तो पहले तो तय हुआ ये फाइनल नंबर जो आप। दूसरा क्या था? यहां से यहां तक का औसत त्वरण, औसत त्वरण की परिभाषा क्या थी? वेग में परिवर्तन बटा में समय, वेक्टर फॉर्म में। और औसत त्वरण का परिमाण निकालो तो वेग में परिवर्तन का परिमाण बटा में समय। वेग में परिवर्तन अभी वेग है माइनस वी आई कैप, पहले वी जे कैप, परिवर्तन क्या हो गया? ये माइनस ये, ये माइनस ये किया तो माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। परिमाण कितना आ गया इसका? रूट टू वी। यहां से यहां तक का समय निकालूंगा, समय से भाग दूंगा तो औसत त्वरण आएगा। पूरा चक्कर काटता 2 पाई आर बाय वी में, तो ये चक्कर कितने में काटेगा? 2 पाई आर बाय वी के चौथे हिस्से में। इसमें इससे भाग लिया, इसमें इससे भाग लिया तो एक अनिमंगी। हां मैं जवाब दो भैया, क्या तुम्हें याद का काम जाम समझ में आ गया? यस पक्का बोलो नहीं पक्का एकदम किस्म की जवाब चाहिए कि बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर फिट एक बात है तो नोट कीजिए।
मेरा मानना है क्वेश्चन की वर्डिंग और आंसर दोनों समय समझ में आ गए होंगे बेटा। अरे कुछ तो बोलो। यस सर। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट एसी एटी को लेके और कंसोलिडेट हुआ होगा, और दृढ़ हुआ होगा, और आपको औसत त्वरण कैसे निकालना इसके बारे में जानकारी मिली होगी। जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूं, आप नोटिस कीजिएगा कि कितनी जल्दी आंसर देता है हेमंत। देखते हैं, मैंने जैसा कहा कि हेमंत हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, चेक कर लेते हैं। बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर लिखवाने की कोशिश करेगा ये हमें। ये नियत चार से कर्ण सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, नियत चार से। ए से बी तक आया है कर्ण, ए से बी तक आया है। ये व्यास के दो सिरे हैं, ठीक है जी। आर इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। कहा गया ए से बी जाने पर औसत त्वरण का परिमाण बताइए। तो अपन डायरेक्ट आंसर लिखते हैं औसत त्वरण का परिमाण, यहां पर आएगा वेग में परिवर्तन का परिमाण बढ़ाने समय। यहां का हम बोलो क्या लिखो, वेग में परिवर्तन का परिमाण परिमाण लिखो, जे आई तो कुछ आएगा ही नहीं। सोच लीजिए आप लोग क्या लिखवाएंगे, क्या लिखो ऊपर वेग में परिवर्तन का परिमाण। पहला वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, ए पर चार, ए पर वेग कितना है, वी वेग पूछो तो दिशा साफ बोलो ना, नहीं वेग बोलो वेग, वी आई वी आई जे, बी पर वेग कितना है, माइनस वी जे, माइनस तो परिवर्तन कितना हो गया, माइनस वी जे में से प्लस वी जे माइनस करना था तो माइनस टू वी जे हो गया, तो परिमाण कितना आ गया, अरे हाँ ना मैं आंसर देता हूँ यार, अरे मेरे बालको क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा था क्या, ये और ये है परिवर्तन निकालेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेगा तो माइनस का 2vj क्या बचेगा, परिमाण तो 2 ही आएगा। यस सर। अब निचला समय लिखवा दो भैया, पाई आर बटा में बी, ये 2 पाई आर बाय बी का आधा हिस्सा या पाई आर कवर किया बी से, तो आंसर आ गया 2 बाय पाई बी स्क्वायर बाय आर। क्या आपको औसत त्वरण निकालना आ गया था। यस सर। औसत त्वरण आपको वृत्त में पूछेगा या प्रक्षेप में गति में पूछेगा, ध्यान रखना, या तो वृत्त में पूछेगा या फिर कैसे निकालो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। तुम्हारा जवाब नहीं आया, तुम सबको औसत त्वरण समझ में आ रहा है कैसे निकालो, तो तुम्हें औसत त्वरण निकालना आ गया, त्वरण की परिभाषा तुम्हें समझ में आ गई है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा अब कितनी प्रकार का मोशन होता है, उनको स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है जी। बेसिक डेफिनेशन हमारी जितनी है वो सारी की सारी पूरी हुई, कुछ चीजें हमने और एड ऑन करनी है। अब ये डेफिनेशन वाला काम आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। कल मैं आपको गति के प्रकार बता दूंगा, गति के प्रकारों में जैसे एक समान गति क्या होती है, एक समान त्वरित गति क्या होती है, असमान त्वरित गति क्या होती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। हाँ साथ में ग्राफ आएंगे, क्वेश्चन आपके जो सॉल्व होंगे वो दो तरीकों से सॉल्व होंगे, ग्राफ से सॉल्व हो सकते हैं, कई मैथमेटिक्स से सॉल्व होंगे, कई दोनों चीजों से मिला के सॉल्व होंगे। तो सारी चर्चाएं हमारे आने वाले 3-4 दिन तक लगातार चलेंगे, ठीक है जी। इनफ ऑफ टुडे।